हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज की जो क्लास है इसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो वैल्यूज होती है उसको निकालने के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज की जो क्लास है उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, प्लस उसका बेसिक समझेंगे क्या लोकल मैक्सिमा क्या लोकल मिनिमा होता है, और जो एम एल भार्गव के क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्सरसाइज 8.9, तो उसके जो 8.8 तो उसके जो क्वेश्चन है एम एल भार्गव एक्सरसाइज 8.8 उसके जो क्वेश्चन है वो इसमें हम करेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो अब सबसे पहली बात आती है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ हम पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा समझने के लिए आप एक कर्व को समझो पहले। एक मान लो आपके पास एक ये लाइन आ गई, थोड़ा सा ये आपके पास एक ग्राफ आ गया, ठीक है। अब मान लो आपने कोई एक कर्व ड्रॉ किया, आपने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ये कर्व इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। ये ऊपर तक गया, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऐसे आया। तो मतलब इस तरह से ये कर्व जो है इसकी जो मूवमेंट है ये ऐसे चल रही है। अब यहाँ पर ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर ये एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है और उसके बाद फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, और ऐसे ही फिर कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ये कि मिनिमम वैल्यू अटेन करता है और उसके बाद फिर ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे हम कर्व यहाँ पर सबसे पहली बार क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू ही अटेन कर रहा है, यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कर्व जो है नीचे की तरफ आ रहा है, फिर एक यहाँ पर अटेन कर रहा है मिनिमम वैल्यू, फिर ऊपर जाता जाता यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, उससे पहले एक यहाँ पर। अब मैक्सिमम वैल्यू देखो अब यहाँ पर, क्योंकि इस एक्स एक्सिस से नीचे आ रही है तो मतलब नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती, हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये मैं समझना कि मैक्सिमम है तो वो पॉजिटिव ही होगी, और उसके बाद फिर कर्व यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, फिर एक यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट अभी मैंने मार्क किए, ये सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आपका ग्राफ जो है एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो नीचे आ जाता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट मार्क कर रखे हैं ये है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। क्या वैल्यू है ये, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। और जिन पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जैसे ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है, एक्स की यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, ऐसे ये जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स होते हैं जिन पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यानी इन पॉइंट्स के ऊपर, जैसे यहां पर एक्स की वैल्यू सपोज ये -2 हम मान लेते हैं, कि जब हम उस फंक्शन के अंदर -2 वैल्यू पुट करेंगे तो -2 वैल्यू पुट करने पर आपको उस फंक्शन की ये वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो गई। इस तरह से आप किसी भी ग्राफ की लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के अंदर 12th क्लास के 5-6 सेक्शंस हैं, एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद फिर हर एक सेक्शन से एक एक टॉपर हम निकालते हैं। सपोज ये सेक्शन ए का टॉपर है, ये सेक्शन बी का टॉपर हो गया, ये सेक्शन सी का टॉपर हो गया, मान लेते हैं नेगेटिव में टॉपर आ रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए, एक टॉपर ये हो गया, एक टॉपर ये हो गया, एक टॉपर ये हो गया, हर एक सेक्शन से आपने एक टॉपर निकाल दिया, तो उसको हम बोलेंगे, उसके जो मार्क्स हैं उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। अब ऐसे ही जो मिनिमम वैल्यू जब ये ग्राफ अटेन करता है, तो मिनिमम वैल्यू ये कहाँ कहाँ पर अटेन कर रहा है, देखिए यहां पर एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, उसके बाद फिर ग्राफ ये ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आना स्टार्ट होता है और यहां पर जाके ये रुकता है, फिर एक मिनिमम वैल्यू यहां पर ले रहा है। अब मिनिमम वैल्यू भी देखो पॉजिटिव हो सकती है,
ऐसा नहीं है कि मिनिमम वैल्यू नेगेटिव ही होगी हमेशा, तो पॉजिटिव भी हो सकती है। और सेम इसी इन्हीं पॉइंट्स पर, यहाँ पर इन पे, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहे हैं इन पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है इनको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो जो व्हाइट पॉइंट से मैंने मार्क किए हैं ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यूज। और ये वैल्यू जिस पॉइंट पर आ रही है उनको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो किस इस तरह से किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है, लोकल मिनिमम वैल्यूज हो सकती है। अब उसको निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जब भी जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने किया था, जहां पर ग्राफ आपका टर्न करता है, जहां पर ग्राफ आपका टर्न कर रहा है, मतलब यहाँ टर्न कर रहा है, यहाँ भी टर्न कर रहा है, यहाँ टर्न कर रहा है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जहां जहां पर आपका ग्राफ टर्न कर रहा है, वहां से अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना, तो वो सारे टेंजेंट इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे। जितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस सब एक्स एक्सिस के पैरेलल आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, या टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, और स्टेशनरी पॉइंट आप कह सकते हो, उनको निकालने के लिए क्या करना है आपको, फॉर टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, आपको क्या करना है, जो इसका स्लोप है उसको 0 के बराबर रखना है। और स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर रहे थे, सेम वही काम हमको यहाँ पर करना है कि हम डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके वहाँ से आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज मतलब आपके पास ये जो ग्राफ के ऊपर जो वैल्यूज आ रही है ना, लाइन के ऊपर, एक्स के ऊपर, ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब इन वैल्यूज को बारी बारी से हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा और कौन सी वैल्यूज लोकल मिनिमम वैल्यूज हमें देगी। तो ये सारा फंडा होता है। अब इसको चेक करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है, एक ग्राफ ऐसा भी आ सकता है कि जहां पर आपका जो फंक्शन है ना, तो वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा ना मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ आपने बनाया, अब वो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब यहां पर ये ग्राफ कहीं भी टर्न ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है उसके बाद फिर ये नीचे आ रहा है, या फिर एक मिनिमम वैल्यू अटेन करके ये ऊपर जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं आ रहा। यहाँ कंटिन्यूअसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा जा रहा है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा जा रहा जा रहा है, तो ये चलता ही जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता जा रहा है, ये कहीं थकता नहीं है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट पर अगर क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी नहीं, क्योंकि कहीं ग्राफ टर्न ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस तरह के पॉइंट, अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक्स की वैल्यू मान लो सपोज 1 ले ली, अब मैं इस पर चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी, तो वो एक्स की जब वैल्यू मैं 1 डालूंगा तो ना तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू कुछ भी पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट ही नहीं होगा। तो उस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में जो पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो जहां पर भी टर्निंग पॉइंट ना निकले इसका मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। और आपने क्रिटिकल पॉइंट से जो आपने जो इक्वेशन दे रखी होगी वो अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आपको पता लगाना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कब होगा, या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा। तो ये सारा इसका फंडा होता है लोकल वैल्यूज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो टेस्ट हम कर रहे हैं उस टेस्ट के बारे में। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि भाई एफ डैश एक्स में आपको ये करना है और उसका फिर डेरिवेटिव आपको देखना है, उसका साइन चेंज होगा। तो ये सारी थ्योरेटिकल, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ वहाँ पर ये थ्योरी वोरी आप पढ़ के जाओगे तो कन्फ्यूज ही होगे उसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो हम सीधा चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, वहाँ से आपको जल्दी से समझ में आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है यहाँ पर ये 1/x² + 2, इसकी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना है तो उसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आप जो हम आगे अगली क्लास में करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो एफ एक्स है ये है 1/x² + 2।
सबसे पहला काम क्या करना है हमें, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका एफ डेस एक्स का। अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसको जीरो के बराबर पुट करना है। यहां से आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। तो माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, यहां से ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको जीरो। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस पर चेक करना है आपको यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें क्या करना होता है, जब हम जीरो पे चेक करेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव हमने निकाला है उसी के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जीरो से एक बार थोड़ा सा कम वैल्यू करेंगे और एक बार थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू करेंगे। जैसे ये हमारे पास पॉइंट आया जीरो, तो जीरो के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, थोड़ा सा राइट में जाएंगे। अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.1, तो माइनस 0.1 हमने यहां पर पुट करना है। और एक बार क्या करेंगे हम, इसके थोड़ा राइट में जाएंगे तो आ जाएगा 0.1। मतलब वैल्यूज आपको ऐसे नहीं लेनी कि वन के जीरो के बाद आप सीधा वन पे चले जाओ, बहुत मिनिमम वैल्यूज लेनी है, बहुत थोड़ी सी वैल्यू लेनी है, स्लाइटली लेफ्ट देन या स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है। इन दोनों में दोनों वैल्यूज को आपको लेना है। अब उसके बाद इनके जो साइन है ना, इनका साइन हमें चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स का साइन है वो क्या आएगा। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि साइन से पता चलेगा आपको कि आपका आंसर क्या आएगा। एफ डैश एक्स का साइन देखना है, एफ डैश एक्स आपके पास ये है। अब यहां पर जो डिनोमिनेटर है वहां तो स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर है, तो उसका तो आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव रहना है। आपको जो साइन चेक करना है वो हमेशा, अब इसको इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहीं पर देखना है क्योंकि यहां पर तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर क्या है, माइनस टू इंटू में एक्स, एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 2.1। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, एक्स की जगह हम माइनस टू तो बाहर है ही और यहां माइनस 0.1 पुट कर रहे हैं। तो यहां पर ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू माइनस में, तो मिलकर क्या बनेगा, प्लस में आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स का साइन जो है वो आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई साइन इसका ऐसे आ रहा है, आपने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिखाना चाहते हो दिखा दो। आपको सीधा ये बताना है कि जब वैल्यू को आपने कम किया तो इसका साइन क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आया या लेस देन जीरो आया, ठीक है। अब दूसरा हम इसको देखते हैं 0.1 पर। तो 0.1 पर अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्यों, बाहर माइनस है, ये 0.1 है तो नेगेटिव आएगा, तो यानी ये हो गया लेस देन जीरो। अब आप ये देखो कि जब आपने वैल्यू को इंक्रीज किया था या डिक्रीज किया था तो साइन क्या आ रहा है। अगर आपने वैल्यू को इंक्रीज किया है और आपका जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो हो गया, और अगर आपने वैल्यू को डिक्रीज किया है और एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब एक तरह से उल्टा प्रोसेस हो रहा है। आपने वैल्यू को कम किया और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन हो रहा है, आपने वैल्यू को ज़्यादा किया और एफ डैश एक्स कम हो रहा है। तो ऐसा अगर केस होगा तो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अपोजिट चल रहा होगा ना तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जैसा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपने कम किया तो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, यहां पर आपने ज्यादा किया तो लेस देन जीरो हो रहा है, तो वही रिवर्स प्रोसेस चल रहा है ना। तो यहां पर जीरो क्या है, देयरफॉर जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी जीरो पर यह फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। अगर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो एफ एक्स है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, वहां पर एक्स की जगह आप जीरो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1/2। यानी जीरो पर इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो आपकी है 1/2। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। अब धीरे धीरे सारे पार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहली चीज ये समझ में आ गई, अगर प्रोसेस आपको रिवर्स हुआ, आपने ग्रेटर देन की वैल्यू तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो हो गया, आपने वैल्यू को कम किया तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। उल्टा प्रोसेस जब भी होगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कहता है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका डेरिवेटिव करना है। एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसका रूट हटाकर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/3। इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1/3 आगे आएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगी तो माइनस 2/3,
उसके बाद चेन रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x। अब यहाँ से देखो ये जो पावर माइनस में, तो उसको नीचे लाओगे आप, ये आ जाएगा 2x अपॉन में 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2/3। तो अब इसको जीरो पुट कर दें तो एक पुट 2x/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये सारा जीरो हो जाएगा, 2 भी तो चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो पिछले क्वेश्चन की तरह आपको करना है, जीरो से एक बार आप वैल्यू कम करो एफ डैश माइनस 0.1 और एक बार वैल्यू को इंक्रीज करो। अब देखो जब आप यहां पर इसका डेरिवेटिव करते हो तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2/3 है, 2 का मतलब हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगी, उसका क्यूब रूट आप करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहना है। तो मतलब यहां पर भी जो डिनोमिनेटर है एफ डैश एक्स के अंदर, ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव ही रहना है, यानी जो भी साइन डिसाइड करेगा वो यही करेगा। अब यहाँ एक्स की जगह आप क्या ले रहे हो, -0.1 ले रहे हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, और ऊपर सारा कोई साइन तो है नहीं, यहाँ पर कोई सारे में कोई साइन तो है नहीं, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। और जब आप एक्स की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। ऐसे जब आप 0.1 यहाँ पर पुट करोगे एक्स की जगह 0.1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू आपने कम करी ये लेस हो गया, वैल्यू आपने ज़्यादा करी ये बढ़ गया। अब यहाँ सीधा सीधा काम हो रहा है कि आपने वैल्यू कम करी है तो लेस हो गया, वैल्यू ज़्यादा करी है तो बढ़ जाएगा। तो जब सीधा सीधा काम होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर जीरो इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, जब मतलब डायरेक्ट प्रोसेस चलेगा, वैल्यू कम करोगे तो नेगेटिव होगा, वैल्यू ज़्यादा करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तरीका वही रहेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर जीरो पुट करोगे, यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 माइनस 4, और इसका करना है आपको क्यूब रूट, तो माइनस 4 का क्यूब रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस टू तो नहीं होता इसका क्यूब रूट, तो ऐसे ही लिखेंगे, क्यूब रूट इसका पूरा पूरा तो होता नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ेंगे -4 की पावर 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहता है कि माइनस एफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप पहले डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये जो माइनस साइन है इसको बाहर रखते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं इसका प्रोडक्ट रूल, तो ये 3 आगे आएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाला एज इट इज़ रहेगा, और x प्लस 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × x+1, और x का डेरिवेटिव करेंगे 1, तो उसको भी लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो, x प्लस 1 कॉमन निकाल दो, तो ये बनेगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 रह गया और x प्लस 1 रह गया, यहाँ से ये 2 रह गया और x माइनस 1 रह गया। ये हो जाएगा 3x+3 2x-2। थ्री एक्स प्लस 2x 5x 3-2 1। अब यहाँ पर पुट करते हैं, जब आप एफ डैश एक्स को जीरो पुट करोगे तो एक तो यहाँ से एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको ज़ीरो कर देंगे क्योंकि तीनों फैक्टर हैं, एक्स प्लस 1 इसको ज़ीरो कर देंगे और 5x+1 इसको ज़ीरो कर देंगे, यहाँ से तो एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, इधर से एक्स की वैल्यू -1, इधर से एक्स की वैल्यू -1/5, तो आपके पास ये 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 1, 1, 1-1 और -1/5। अब इन तीनों वैल्यूज पर हम चेक करते हैं बारी बारी से, पहले चेक कर लेते हैं 1 पर।
अब वन पर आपने चेक करा तो आप इससे थोड़ी सी वैल्यू कम करेंगे तो 0.9 हो गया, और थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएंगे तो 1.1 हो गया। अब आपको चेक करना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आप यहाँ पर चेक करो सीधा, जहाँ आपने फैक्टर बना दिया वहाँ से आपको साइन इजीली पता चल जाएगा। जब आप 0.9 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर 0.9 पुट करेंगे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाहर एक साइन नेगेटिव है, बाहर एक साइन नेगेटिव है तो जो बाहर साइन होगा ना उसको छोड़ मत देना, बाहर जो नेगेटिव साइन होगा उसकी वजह से ये आ जाएगा लेस देन जीरो। जब आप 1.1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, और ये तो फिर पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ पर आ गया लेस देन जीरो। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन आपका चेंज ही नहीं हुआ, अभी तक जो दो क्वेश्चन करे थे उसमें साइन चेंज हो रहा था, एक में लेस आ रहा था एक में ग्रेटर आ रहा था, या पहले में ग्रेटर आ रहा था दूसरे में लेस आ रहा था, लेकिन यहाँ तो वही साइन ही चेंज नहीं हो रहा। जब साइन चेंज ना हो तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी इस पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम कोई वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, देयरफॉर वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो वन आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। अब बाकी दोनों पॉइंट उन पर चेक करते हैं, फॉर एक्स इक्वल्स टू -1। अब -1 से आप थोड़ा सा वैल्यू कम करोगे तो आ जाएगा -1.1, थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आ जाएगा -0.9। माइनस में हो आप ध्यान रखना, कम करोगे तो -1.1 होगा, बढ़ाओगे तो 0.9 हो जाएगा। अब -1.1 को आप एफ डैश एक्स में रखो। अब -1.1 को यहाँ पर रखेंगे तो ये -5.5 हो जाएगा, और ये +1 है तो यानी ये नेगेटिव आएगा, यहाँ -1.1 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव बाहर एक, तो तीन बार नेगेटिव आ रहा तो लेस देन हो गया, आपने वैल्यू को कम किया लेस देन हो गया। 0.9 को पुट करते, -0.9 को यहाँ पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक बाहर नेगेटिव ये है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर बनेगा पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो आपने वैल्यू कम करी, कम हो गया, बढ़ाई, बढ़ गया, तो ये क्या बना, एक्स इक्वल्स टू -1 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सीधा सीधा प्रोसेस हो रहा है, वैल्यू कम कर रहे हो लेस हो रहा है, बढ़ा रहे हो ग्रेटर हो रहा है। अब रह गया पॉइंट आपके पास -1.5, -1.5 का मतलब -0.2 हो गया, वैल्यू कैलकुलेट तो करना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब आपने -0.2 से आपने वैल्यू थोड़ी सी कम करी तो ये आ जाएगा -0.3, और वैल्यू आपने बढ़ाई तो आ जाएगा -0.1। अब -0.3 को अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो -1.5 हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पुट करते हो तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये आपका बाहर एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मिलकर बन गए पॉजिटिव। -0.1 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये -0.5 बनेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव है तो उससे आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा प्रोसेस हो गया, आपने वैल्यू कम करी ये बढ़ गया, आपने वैल्यू बढ़ा दी ये कम हो गया, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू -1.1/5 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है वो ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है एक्स क्यूब -6x² +12x-8। इसका डेरिवेटिव करते हैं, 3x² -12x+12, 3 कॉमन निकाल दो, फोर के फैक्टर करेंगे आपके पास क्या बनेगा, 2 और 2 यानी x-2 का होल स्क्वायर बन गया। इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 2ab, करेंगे ये आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, पुट करेंगे यहां पर 0, तो फंक्शन एक ही बना आपके पास x-2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 2 आ गई। अब इस पर चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप चेक करोगे 2 पर,
आपने वैल्यू को कम किया, कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.9, या आपने वैल्यू को बढ़ाया, दोनों केस में वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी है, क्योंकि जो एफ डैश एक्स है उसमें स्क्वायर फंक्शन है, और तो है ही नहीं कुछ यहां पर। अब स्क्वायर फंक्शन है तो साइन चेंज होगा ही नहीं, और साइन चेंज होगा नहीं तो क्या बनेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा, एक्स इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाले टेस्ट है, ये वाला वीडियो हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप वहीं पर ही अप्लाई करो जहां पर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो, ठीक है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब करना मुश्किल हो तब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहिए। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके क्वेश्चन करेंगे, और आपको दोनों में फ़र्क भी पता चल जाएगा, दोनों में फ़र्क क्या होता है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू। Thank you.